नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का रावल कॉन्सेप्ट यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, RS अग्रवाल के हम सॉल्यूशन लगा रहे हैं नंबर सिस्टम बिल्कुल शुरू से। और दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 20 तक हम सॉल्यूशन कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 21 से हम आज शुरुआत करेंगे इस वीडियो में। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 21 दुआ हुआ है 518 गुणा क्वेश्चन मार्क गुणा 9 बराबर 303030। आप लोगों को दोस्तों क्वेश्चन बोर्ड पर दिख रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 21 जो हमें दिया हुआ है दोस्तों, वो दिया हुआ है ये। दोस्तों, इसको करना कैसे है, 518 गुणा क्वेश्चन मार्क को मैं एक्स मानता हूँ गुणा 9 बराबर 303030। ठीक है दोस्तों, अब जब भी राशि गुणा में हो बराबर में एक और नंबर दिया हो, देखो यहाँ गुणा में दी हुई है हमें और यहाँ बराबर में दी हुई है, तो दोस्तों इसका मतलब ये होगा हमें निकालना क्या है, एक्स की वैल्यू निकालनी है। जब भी गुणा में होगी किसी भी एक्स वाई ए बी के ख गे के साथ, तो वो भाग में परिवर्तित हो जाती है। 303030 अपॉन 518 × 9। दोस्तों, अगर मैं इसको 518 से डिवाइड करूँगा तो दोस्तों ये 58 फाइव टाइम्स जाएगा, और 9 से मैं इसको डिवाइड करूँगा दोस्तों तो देखो 6 बार चला जाएगा, कितने बज गए, 4 × 9 = 45। यानी कि एक्स की जो वैल्यू आएगी दोस्तों वो 65 आएगी, और यही हमारा आंसर होगा। दोस्तों, कहने का मतलब यह है कि जब कभी भी ऐसी इक्वेशन दी हो आपको, ठीक है दोस्तों, जैसी क्वेश्चन नंबर 21 में दी हुई, अगर ऐसी इक्वेशन आप लोगों को दी हुई है गुणा में है, कोई एक्स है वाई है ए है बी है बराबर 3030 है, तो वह सारी चीज़ें भाग में चली जाती हैं। भाग लगाओगे आप, भाग लगा कर देख सकते हो 518 का 3030 में 58 टाइम्स जाएगा, 9 को 585 से डिवाइड करोगे तो वो 65 आएगा। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ चलते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 22 दिया हुआ है 74516 माइनस क्वेश्चन मार्क माइनस 321 माइनस 20 प्लस 520 बराबर 69894। ये दोस्तों क्वेश्चन दिया हुआ है। देखो दोस्तों, इस क्वेश्चन को हम कई तरीके से सोल्व कर सकते हैं। मैं आपसे कह सकता हूँ कि इसको और इसको जोड़ लो, क्योंकि दोनों प्लस प्लस की राशियाँ हैं। ठीक है, फिर मैं आपसे कहता हूँ इन दोनों को जोड़ लो और इसमें से इसको माइनस कर लो। ठीक है, एक तरीका ये भी, और फिर जो वैल्यू आए उसको इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, तो दोस्तों इस क्वेश्चन को करते हैं। देखो दोस्तों, मैं कह रहा हूं पहले मैं इन दोनों को जोड़ता हूं, माइनस माइनस की राशियों को मैं करता हूं सोल्व। तो यहां दोस्तों 74516 क्वेश्चन मार्क एक्स माना मैंने, ये हो जाएगा 20 और 20 40, यानी कि 341 किसके, माइनस के, प्लस 520 बराबर 69894। ठीक है दोस्तों, जब मैं इसको सोल्व करूंगा, अभी मैं इसको सोल्व कर रहा हूं इतने से इक्वेशन को, तो 74156 माइनस एक्स बराबर यहां से आ जाएगा भैया 11, यहां से आ जाएगा तुम्हारा माइनस किए तो 179 इज इक्वल टू 69894। देखो माइनस का है ये, प्लस का है, जब हम इसको घटाएंगे ना तो आएगा 179। अब 179 भी प्लस का है और ये भी प्लस का है, दोनों कैसे हैं, प्लस प्लस के हैं, तो मैं इन दोनों को जोड़ दूंगा। तो देखो 9 और 6 15 की 5, 7 और 5 12 और 1 13 की 3, 1 1 2 और 1 3, 74335 माइनस एक्स बराबर 69894 मेरे को मिलेगा। ठीक है दोस्तों, मेरे को निकालना है किसकी वैल्यू है, एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो दोस्तों मैं क्या करूंगा अब आगे, कि मैं इसको इधर लेके जाऊंगा, इसको इधर लेके जाऊं या फिर मैं इसको इधर लेके आऊं। मान लो मैं इसको इधर लेके आ जाता हूं 74335, मैं इस वाली चीज़ को यहां लेके आ रहा हूं, तो ये प्लस का है माइनस में हो जाएगा 69894। माइनस का एक्स इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, इज इक्वल टू से ट्रांसफ़र होके। अब जब मैं इसको सोल्व करूंगा दोस्तों, 5 में से 4 जाएंगे तो कितने बचेंगे दोस्तों, 1 बचेगा। ठीक है, यहाँ 3 है, 3 में से 9 नहीं जाएगा, 12 में से जाएगा तो दोस्तों कितना बचेगा, 9 जाएगा, सॉरी 13 में से 9 जाएगा तो 4 बचेगा। ठीक है दोस्तों, और यहाँ कितने रह गए, 12, 12 में से 8 गए तो भी 4 बचेगा, यहाँ रह गए तुम्हारे 13, 13 में से 9 गया तो, 13 में से 9 गए दोस्तों तो कितने बचेंगे, 4 बचेंगे, और यहाँ रह गए 6, 6 में से 6 गया तो 0, यानी कि x का जो मान आएगा वो आएगा 441। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 22 हम किस कई प्रकार से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। देखो मैंने आपको बताया कि मैंने माइनस माइनस को ऐड करा, जुड़ के आ गए 341 प्लस 520 बराबर 69894। ठीक है दोस्तों, फिर मैंने क्या करा, ये किसके थे, माइनस के थे और ये किसके थे, प्लस के थे,
नहीं दोस्तों ये प्लस का होगा, ठीक है दोस्तों, ये प्लस की वैल्यू ज़्यादा है तो साइन प्लस का आएगा, अब माइनस का साइन नहीं आएगा। तो 179,74,156 को मैं ऐड करूंगा तो 74,335 आएगा। तो देखो दोस्तों दो चीज़ें हैं, या तो मैं इसको इधर ले जाता, ठीक है, तो मैं इसमें से इसको माइनस कर रहा होता क्योंकि ये प्लस का है, इधर जाता तो माइनस का हो जाता। जब मैं इतने को सरल कर रहा होता तो मेरे पास जो वैल्यू आती ये 4441 जो आई है ये आती दोस्तों मेरी माइनस में, फिर मैं माइनस से माइनस कैंसिल कर रहा होता, एक्स की वैल्यू निकल के आ रही होती 441। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ चलते हैं। 85793 माइनस क्वेश्चन मार्क प्लस 151 इज इक्वल टू 77477 क्वेश्चन हमें दिया हुआ है। देखो दोस्तों इस क्वेश्चन में बहुत इजी इजी क्वेश्चंस हैं, मैं पहले भी बता चुका हूँ, मैं ये नहीं सोच रहा हूँ कि कुछ क्वेश्चंस इजी हैं कुछ क्वेश्चंस टफ हैं, सभी करने हैं हमें, ठीक है। सिर्फ इन क्वेश्चंस को करने से थोड़ा कैलकुलेशन का आइडिया हो जाता है कि ट्रांसफर कर रहे हैं तो प्लस माइनस कैसे होगा, माइनस प्लस कैसे होगा, जिन्हें बिल्कुल कुछ नहीं आता ये उन दोस्तों के लिए बहुत जरूरी है, ठीक है। तो दोस्तों करना क्या है, देखो ये भी प्लस का है ये भी प्लस का है, मैं इन दोनों को जोड़ दूँ तो डायरेक्ट कर रहा हूँ मैं, 3 और 1 4 हो जाएगा दोस्तों, 9 और 5 14, ठीक है, 9 और 5 14 के 4 हो जाएंगे दोस्तों, 1 और 7 8 और 1 9 हो जाएंगे, 5 8 हो जाएगा। क्वेश्चन मार्क को मैं एक्स मान सकता हूँ दोस्तों, क्वेश्चन मार्क को मैंने एक्स मान लिया, बराबर 77477, ठीक है दोस्तों। अब मेरे को क्या करना है, देखो अभी मैंने इस वाले क्वेश्चन में इस चीज को मैं इधर लेके गया था, ठीक है, यहां लेके आया था, अब मैं इस वाली क्वेश्चन में इस चीज को इधर लेके जाऊंगा। तो देखो माइनस का एक्स मेरा बचा हुआ है दोस्तों 77477, मैं यहां नहीं लेके आ रहा हूँ, इसको इधर लेके जा रहा हूँ 85944, और जब मैं इसको सरल करूंगा दोस्तों तो जो वैल्यू आएगी वो आएगी मेरी, इसको सरल करने के बाद देखो भाई 7 में से 4 घटाओगे, ऐसा नहीं होगा, क्यों, क्योंकि ये कम राशि है और वो ज़्यादा राशि है। तब हम इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए क्या कर रहे होंगे, 14 में से 7 घटाएंगे तो 7 ही आ जाएगा, 7 7, और दोस्तों अब कितना रह गया हमारा 8 4, 8 4 और आ जाएगा, माइनस का आएगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएंगे तो एक्स बराबर 8477 हमारा क्या होगा दोस्तों, आंसर होगा इस क्वेश्चन का, ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 दिया हुआ है 8125 माइनस 4018 माइनस 2119। देखो दोस्तों इस क्वेश्चन को करने के लिए माइनस माइनस के इन दोनों को मैं ऐड कर दूं, एक तरीका ये है कि मैं इन दोनों को जोड़ लूं, या मैं एक काम करूं इसमें से पहले मैं इस वैल्यू को माइनस करूं फिर जो वैल्यू मिले उसमें से मैं इस वैल्यू को माइनस करूं तो मेरा एक्स आ जाएगा निकल के। क्वेश्चन मार्क को मैं एक्स मान रहा हूं लेकिन मैं इन दोनों को जोड़ रहा हूं, देखो 4,000 और 1,252 हो गए, 18 और 18 3,600 3,700, यानी कि 5,237 बराबर एक्स के, और जब मैं इनको लेस करूंगा तो देखो 5 में से 7 नहीं जाएंगे, 15 में से 7 जाएंगे तो 8 बचेगा दोस्तों, यहाँ रह गए 11, 11 में से 3 गए तो दोस्तों 8 बचेगा, यहाँ रह गया 0, ठीक है, और 10 में से 2 गया तो 8 बचेगा, यहाँ रह गए 7, 7 में से 5 गया तो 2 बचेगा। तो दोस्तों जो आंसर आएगा हमारा आएगा वो 2888 जो आएगी वैल्यू वो हमारी आंसर होगी, यानी कि एक्स का मान जो आया वो हमारा आया 2888, ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 25, तो दोस्तों इस क्वेश्चन में कुछ नहीं करना है, इन तीनों की मल्टीप्लाई करनी है। मैंने आपको पिछले पार्ट में बताया था मल्टीप्लाई करना है, ऐसे क्वेश्चन हो तो पहले छोटी छोटी राशियों की मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो देखो दोस्तों जब हम छोटी छोटी राशियों की मल्टीप्लाई कर रहे हैं 3 3 3 × 3 × 3 × 3, यानी 33 × 3 करूंगा तो 99 आ जाएगा। अब यहाँ बड़ा नंबर हो गया, अब यहाँ कैसा नंबर हो गया, बड़ा नंबर हो गया। तो दोस्तों हम देखो क्या करते हैं इस चीज़ को करने के लिए, मैं यहाँ करके बताता हूँ, इस थोड़े से पार्ट में दिख रहा है ना, देखो दोस्तों 333 × 99 है, तो 99 को मैं कह सकता हूँ 100 - 1 है, कह सकता हूँ या नहीं कह सकता हूँ, 100 - 1 मैं इस चीज़ को कह रहा हूँ। तो देखो 333 की 100 में गुणा करोगे तो 3300, ठीक है, -33, अब 33,300 में से -333 कर दो तो 32,967, यानी कि 32,967 जो आएगा वो हमारा x का मान आ जाएगा, यानी कि अगर मैं इन दोनों की भी अब मैं यहाँ गुणा करता हूँ 333 × 99 को अगर मैं सोल्व करूँगा तो 32,967 मेरा आंसर आएगा, तो जो आएगा 32,967 मेरा आंसर आ जाएगा, यानी कि बराबर x के आएंगे, क्वेश्चन मार्क को मैं x मानता हूँ तो, और ये ही मेरा आंसर होगा, ठीक है दोस्तों। अब चलते हैं दोस्तों हम क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ, हमारा क्वेश्चन नंबर 26 कैसा है।
आइए दोस्तों, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। देखो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 26, जैसा हमने क्वेश्चन नंबर 21 किया था, सेम क्वेश्चन दिया हुआ है, सिर्फ नंबर्स चेंज है। ठीक है दोस्तों, करना क्या है, 916 इंटू क्वेश्चन मार्क इंटू 3 बराबर 214344। तो दोस्तों मैं कह सकता हूँ क्वेश्चन मार्क को मैं एक्स मान रहा हूँ, और मैंने आपको बताया था कि जब भी ऐसी कोई भी इक्वेशन हो, एक्स हो, तो वो बराबर में दूसरा नंबर दिया हुआ है, तो उसका मतलब होता है कि वो भाग लग रहा है। 916 गुणा 3, 916 से ये चला जाएगा भैया 234 टाइम, 234 और 234 चला जाएगा 78 बार, तो यानी कि x का मान जो आएगा वो 78 आएगा। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 27, मैं इसको डायरेक्ट कर रहा हूँ, इसकी मैं सिर्फ और सिर्फ कुछ नहीं है, सिर्फ इनकी आपस में गुणा हो रही है। ठीक है दोस्तों, तो देखो जब मैं इनकी गुणा करूँगा आपस में, तो आएगा दोस्तों 40, 45, 641 दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, आप गुणा करके देख सकते हो, बहुत आसान से सवाल है, सीधी सीधी इसमें मल्टीप्लाई करनी थी। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, इस टाइप के क्वेश्चन हमने पहले भी करे थे, मैंने बताया था कि वहाँ 99 पर रुक गए थे, यहाँ 999 है, यहाँ भी 999 है, या 987। अगर दोस्तों ऐसी चीज़ आ रही है, तो आप देखो गुणा करोगे तो एक बहुत लंबा प्रोसेस हो जाएगा। इस चीज़ को छोटा करने का तरीका मैंने आपको बताया था दोस्तों, यही होता है कि आप 587 इंटू 1000 माइनस 1 कर दो। भाई 1000 में से अगर आप एक घटा दोगे तो कितने बच जाएंगे आपके पास, 999। जब 999 बच जाएंगे और आप गुणा कर रहे होगे 587 की 1000 में, तो 30 यहाँ आ जाएंगे, माइनस 587 आ जाएगा, 587 आ जाएगा। अब दोस्तों करना क्या है कि इस चीज़ को मुझे यहाँ माइनस करना, इसमें से मैं इस चीज को माइनस करूंगा, तो दोस्तों जो मेरा आंसर आएगा वो आएगा 586413, ये मेरा दोस्तों आंसर होगा। देखो 7000 में से मेरे को 587 घटाने हैं, सीधा सीधा हमें इतना मालूम है कि 7000 में से 587 घटाने हैं, 58 पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, 72519 इंटू, दोस्तों मैं इसको भी इसी प्रकार से कर रहा हूँ, 1000 माइनस 1। ठीक है दोस्तों, x मान रहा हूँ, यहाँ भी x मान लेते हैं, ये भी x है, और ये जो वैल्यू आई ये x की वैल्यू आई, ये जो आंसर आया ये x की एक वैल्यू आया निकल के। ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन को भी दोस्तों हम ऐसे ही करेंगे। देखो 72519 कितने जीरो है, 3 0 माइनस 72519 बराबर कितने के है दोस्तों, x के है। जब ये x के है तो 72500, अब ये 72519 से कितने बढ़ के हो गए, 10 लाख 10 करोड़, यानी कि 7,25,19,000 में से 72519 हम घटाएंगे तो दोस्तों कितना बचेगा। तो दोस्तों जब मैं इसको घटाऊंगा तो 72511,74,81 बराबर x के। दोस्तों आप इसको घटा के देख लेना, आपको जो मिलेगा वो इतना ही मिलेगा, 72511,74,81। 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 3 3 6 2 8। ठीक है दोस्तों, इतना ही बचेगा, 72511,74,81 72511,74,81 दोस्तों आंसर चेक कर लेते हैं एक बार, 72511,74,81। ठीक है दोस्तों, इतना ही आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ चलते हैं दोस्तों। ठीक है, तो को मैं घटा नहीं रहा हूँ, मैं डायरेक्ट आपको आंसर लिख रहा हूँ। ठीक है, तरीका मैं बता रहा हूँ कि आपको छोटा कैसे करना है, मल्टीप्लाई करनी है। अगर आप 72519 गुणा 999 करोगे तो एक टाइम लग जाएगा। ठीक है दोस्तों, इस वाले क्वेश्चन को करते हैं, 2056 गुणा, अब ये 1000 के कितने नियरेस्ट है, इसमें से क्या घटा दूं कि वो 987 बन जाए, तो मेरे को मालूम है 1000 माइनस 13। भाई कह सकता हूँ 1000 माइनस 13 या नहीं, एक बात बताओ आप मेरे को, अगर मैं इसमें से कह दूं 1913 तो कितना आएगा, 2056 गुणा 1000 माइनस 13। ठीक है दोस्तों, अब जब हम इसको सोल्व करेंगे तो देखो 2056000 माइनस 26 56 नहीं आएगा, 13 की गुणा हो रही है ना,
हाँ तो यहाँ 13 है, तो यानी कि 13 6 78 इधर से गुणा करनी पड़ेगी। अब हमें 13 6 78 के 8 और 7 और 2 और 13 00 और 6 7 8 2 7 6 2 आएगा। ठीक है दोस्तों, छब दोबारा लिख देता हूँ साफ करके मैं इस चीज़ को, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था मल्टीप्लाई करने में। देखो इसकी गुणा इसमें करेंगे तो इतना ही आ जाएगा, 20 56 000 -13 6 78 के 8, हासिल लगे 7, 13 5 65 और 7 कितने होते हैं 72, 72 का 2 आ जाएगा, हासिल लगे 6, 13 कम 13 और 6, 13 और 6 होते हैं दोस्तों 19, नहीं 13 6 78 के 8, हासिल लगे 2 के, 13 5 65 और 65 और 7 72, हासिल लगे 7 और 13 कम 13 यानी 13 की गुणा 0 में करोगे तो 0 ही आएगा, यानी कि पूरा 72 का 72 ही आ जाएगा और 13 दूनी 26 यानी कि 13 दूनी 26 तो दोस्तों आएगा 26,728। ठीक है दोस्तों, अब हमें इसमें से इस वैल्यू को घटाना है और जब हम इसमें से इस वैल्यू को घटाएंगे तो 20,292,72 एक वैल्यू आएगी, वही दोस्तों हमारा आंसर होगी 20,929,72 आएगी। एक बार आंसर चेक कर लेते हैं दोस्तों, 20,992,72। ठीक है दोस्तों, ये हमारा आंसर करेक्ट होगा। ठीक है दोस्तों, उम्मीद कर रहा हूँ दोस्तों ये चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी, अभी बहुत छोटी छोटी सी चीज़ें हैं। ठीक है दोस्तों, फिर हम धीरे धीरे अपने आप को अब से आगे आगे जो क्वेश्चंस आने वाले हैं नंबर सिस्टम में, वो बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं, उनको बहुत अच्छी तरीके से करेंगे। तो दोस्तों कृपया वीडियो को लाइक करिए, शेयर कीजिए, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक हमारी ये बात पहुँच सके। ठीक है दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों।